भगवान श्री गणेश हेउछंती विद्यादाता, सबु विद्यारे से पारंगम, आउ विद्या ही असल बुद्धिर जन्मदाता। तेणु भगवान गणेशंक बुद्धि मध्य सर्वश्रेष्ठ, से विषय आज कहानीटी शुणा। आम जाणीछे शिव और पार्वती दुई पुओ, बड़ पुओ कार्तिक एवं सान पुओ गणेश। दुई भाई गणेश और कार्तिकंकर खूब भल पड़े, दुहे परस्पर को खूब भल पाती। आउ सबु भाईंक भली ए दुई भाईंकर मध्य बेले बेले झगड़ा हुए। बापा मा समाधान कर दियंती, पूर्णी दुई भाई साथी हुई खेलंती बुलंती। थरे कौन हेला ना, कार्तिक और गणेश बणरे बुलु बुलु गोटे अद्भुत फल देखिले। एमिती फल सेमाने आगुरु देखि नथिले। गणेश देखु देखु कहिले, भाई देखो देखो कि सुंदर फल। हाँ, एमिती फल तो आमे आगुरु देखिने, चलो ताको तोली आनिबा। दुई भाई एका सांगरे दौड़िले फल धरिथिबा सेई गछ पाखकु। दुहे जाए एका सांगरे से फल को स्पर्श कले, आउ तोली आनिले। हेले फल नब किए, दुई भाई को मध्यरे आरंभ होइगला झगड़ा। ए फल मुने भी मुया को प्रथमे छुइछि। नाही, ए फल मोर, मुया को प्रथमे छुइछि। ताहेले याकु बांटी खाइबा। काहिं कि ये बंटा हे परिबनि, ता छडा मु बड़, मु याकु नेबी, एथरे मोर अधिकार। ना मु सन खाइबा जेने सरे मोर प्रथम अधिकार। एमिति एमिति दुहिं को भितरे झगड़ा चलिला। केही कहा को छाड़ीबा को प्रस्तुत हेलेनी, कि बांटीबा को भी राजी हेलेनी। एबे कौन करा जीव ताहले, दुहे तेणु चिंता कले, चलो माता पितांको पाखको जिबा। सेई माने उचित विचार करिवे ए फळरे कहार अधिकार। एही निष्पत्ति करी दुहे कैलाश को फेरी आसिले। आसी पहुँचिले शिव पार्वतींको पाखरे। दुहे माता पितांको फळ देखाई कहिले, मा ए फळ मोर, मुँ याकु प्रथमे देखिथिली। नाही मा, फळ मोर, मुँ याकु प्रथमे छुइथिली। आमे दुहे निष्पत्ति नहीं पारुनु ए फल किए नेब, एथिरे कहार अधिकार, तमे विचार कर। फल नहीं भगवान शिव देखिले, आउ से फल जे चमत्कारी फल से कथा से जानी पारिले। ये तो अमृत फल, ए फलर जी अधिकारी हेब से अमरत्व लाभ करिब एवं से अतुलनीय बुद्धि प्राप्त हेब। बहुत भल कथा, आमे ताहले फल को दुई भाग करी आम दुई पुत्र का मध्यरे बांटी देबा। किंतु शिव कहिले से परी हेई पारिबो नाही, ए फल को भाग करी हबनी, दुहिं को मध्यरु जणे ही ए फल खाई पारिबो। शिवंक ठारु ए कथा सुनी दुई भाई को मध्यरे पूणी झगड़ा आरंभ होई गला। मु सानो तेणु ए फल मु खाइबी। नाही मु बड़, एथिरे मोर अधिकार। प्रभु एबे आपण किछि करंतु, दुई पुओ तो केही कहा को छाड़ीबे को चाहू नांती। हेले जणे पुत्र को फल दे अन्य जण को तो मु दुखी करि परिबेनी। ताहाले कोटे काम करंतु, देवर्षि नारद को स्मरण करंतु, से तो खूब बुद्धिमान आ न्यायवादी, से निश्चय किछि उपाय बाहर करि परिबे। पार्वती को कथा सुनी शिव देवर्षि नारद को स्मरण कले। शिव को स्मरण मात्र के नारद बीणा बजे आसी पहुंचीगले कैलाश। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। कुहंतु प्रभु, ए अधम नारद को आपण काहीं स्मरण कले? देवी पार्वती नारद को सब कथा कहिले एवं समाधानर उपाय मागिले। सबु सुनी सारी नारद हसी हसी कहिले, नारायण नारायण, एही कथा पाई आपण एते चिंता करुछंती? सुनंतु प्रभु, मु दुई भाईंको सम्मुखरे एक परीक्षा रखुची, जी से परीक्षा रे उत्तीर्ण हबो से ही अमृत फलर अधिकारी हबो। कौन राजी तो?
हाँ आमे राजी। तुम दुहिं को तीन थर विश्व परिक्रमा करने को हबो। जीए तुम भितर तीन थर विश्व परिक्रमा सारी प्रथमे कैलाश आसी पहुँचिबो से ही विजयी हब एवं ताकू ही ए फल दिया जीव। तुम दुहिं को समय आरंभ हैला एबे। एक कथा सुनु सुनु कार्तिक खुशी मनरे निज बाहन मयूर उपरे बसी आकाश को उड़ीगले विश्व परिक्रमा करने को। कार्तिकंक मयूर तीव्र बेगरे उड़ी चली जा देखि गणेश चिंतार पड़गले आ मने मने भाविले मो बाहन मूसा तो उड़ी पारन आली चली जदि जाए तीन थर कौन थे भी विश्व परिक्रमा करने कोग लगे जोर से गले भी से मयूर को जीति पार मत अन्य किसी उपाय भावक पड़ब। हठात गणेशंक मन को गोटे बुद्धि आसला से मने मने हसीदे आपरे सेठारे उपस्थित थिबा शिव पार्वती चारिपाखरे परिक्रमा आरंभ करिदेले। एक देखि भगवान शिव माता पार्वती एवं देवर्षि नारद आश्चर्य होई भाविले ये गणेश विश्व परिक्रमा करने को नजाई ये कौन करुची। तीन थर माता पिता परिक्रमा कर सारी गणेश आसी तांको आगरे छिड़ा होई प्रणाम कले एवं कहिले पिताश्री मु तीन थर विश्व परिक्रमा कर सारी एबे मते से फल दियंतु ना। हेले बापा तू तो आमर चारि पखरे बुली आसिलु कैलाश छाड़ी तू तो कुआडे भी जाइनु तू केमिति कहुछु जे तू विश्व परिक्रमा प्रथमे करिछु। माताश्री विश्व परिक्रमा करबा पई मते कैलाश छाड़ी अन्य कुआडे जीवा दरकार पड़िलानी। वेद एवं शास्त्र रे लिखा हिछि माता पिता चरण रे ही सारा विश्व रही तेणु तमे दुहे तो मोर विश्वना मुझे बड़े तुम दुही को परिक्रमा करी विश्व परिक्रमा कली ना नाई एबे मु जीति गली मोपाई तो तमे दुहे हेउछ विश्व। शिव पार्वती अनुभव कले गणेश सत्य कही तेणु से माने गणेश को विजयी घोषणा कले। एतिकि बेले कार्तिक मध्य आसी सेठारे पहुँचिले। माताश्री पिताश्री मु तीन थर विश्व परिक्रमा सारी फेरी आसी। बहुत भल कथा बापा हेले गणेश ते परीक्षा रे उत्तीर्ण हे सारी ना केमिति हबो मा गणेश विश्व परिक्रमा करथुवार मु तो देखिनी से केमिति जितिला। नारद कार्तिकंकु सबु कथा कहि बुझेइ देले गणेश किपरि जितिले। कार्तिकंकर मन दुख हैला किंतु गणेश तांको बुद्धि रे जीति जाइथिबार से बुझि पारिले। गणेश तू जीति जाइछु ने ए फल एबे तोर। माता पितांको आशीर्वाद नै गणेश से फल खुशी रे खाइले एवं बुद्धिमता ओ अमर होबार फल प्राप्त हेले। शिशु गणेशंक ए कहानी आमको एई शिक्षा दिए पिता माता ही आम पई सर्वश्रेष्ठ तांको सेवा करिबा आमर परम कर्तव्य।